Why? Because actually, I've understood that I could not meet the demands of the profession. And there were a few things which I was uncomfortable with since the start, but मुझे लगा था I'll be able to overcome it, but I could not. Secondly, कोई और personal family reasons भी हैं, very important, जिसके वजह से मैंने decision लिया है. Also, I was realizing कि स्वरण की जो love story है, बहुत passionate है और जिस हिसाब से पलकी मैम ने उसे सोचा था वो materialize नहीं हो पा रहा था because of my inhibitions, because of me not being comfortable with certain scene. मुझे पता है क्योंकि कि जो fans भी हैं हमारे जो हमें इतना प्यार करते हैं वो लोग एक story visualize करके चल रहे था जैसी एक passionate love story उन्हें चाहिए थी जो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मैं वैसा नहीं कर पा रही थी. She tried her level best and but she is not cut out for, she's a girl next door and we wanted a diva and she निभावड़ big time हमारे साथ. उसने बहुत कोशिश की, आई थिंक फॉर मोर देन 200 एपिसोड्स वो कर रही थी, बट कहीं ना कहीं एज आई से कि जब नेचुरली जो चीज़ नहीं होती है वो नहीं होती है, वो नेचुरली उस टाइप की लड़की है नहीं. तो थी उसकी कुछ इनहिबिशंस, लाइक यू नो शी इज़ अ लिटिल अनकम्फर्टेबल विद द पैशन लेवल दैट वी हैव शोन. सो आई थिंक वहाँ पे उसका एक डिसकम्फर्ट था, बट शी के नॉट, वी के नॉट से दैट शी इज़ अनप्रोफेशनल because the kind of hard work that she has done and so many hours of in front of camera, behind the camera that she has done is extremely professional. Ye replacement hoga aur naya character nahi aa sakta hai. Sharon is a very very important, iska matlab ye nahi ki Kriya important nahi thi, uske upar mat gaali dena mujhe please. It's just that Swayam aisa character nahi hai who will ever fall in love with anyone again because uska bahut bada baggage hai. Before D3 started humne se dikhaya hai ki he was in love with her from 5 saal se. So I can't really kill her character and get any other character for Swayam. Initially jab maine start kiya tha, jo bhi meri comfort level se problem thi, maine apne dimag mein socha tha ki I'll be able to tackle it. Aur itne sare log the, Palki ma'am thi, everyone was trying to help me to come out of that mental block and I knew it was a mental block, but even after 200 episodes, 250 episodes, I was still. प्रॉब्लम दिखी है काफ़ी देर तक. हमारे फैंस जो हैं, ओ माई गॉड, मतलब मैं कितना भी कोशिश करूँ एडिट वेडिट वो यूँ पकड़ लेते हैं. और मुझे याद है हमने पहला आफ्टर जब हमारी बात हुई थी, व्हेन शी वेरी स्पेसिफिकली टोल्ड मी दैट शी विल नॉट, मतलब देर इज़ अ प्रॉब्लम दैट शी हैज़ एंड वी सेड कि चलो हम स्क्रिप्ट थोड़ा ऊपर नीचे करके दे, बिकॉज वी डिडंट वांट टू लूज हर, राइट. एंड वो करने की कोशिश करेंगे, बट द फर्स्ट सॉन्ग दैट वी डिड वाज चुरा ले आई थिंक. एंड जब वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि सडनली वो इंटीमेसी नहीं दिख रही है, सडनली कुछ तो गड़बड़ है, सडनली एक वन आर्म डिस्टेंस क्यों दिख रहा है. तो उन्होंने पकड़ लिया था. हालांकि हमने उसके बाद बहुत ब्रिलियंटली चीज़ें हैंडल की, हमने काफ़ी सारे सीन्स किए भी. अगर कोई कॉस्ट्यूम्स होते थे जो यू नो थोड़े छोटे टाइप के होते थे तो मैं कास्ट से तो फिर भी कंफर्टेबल हो गई थी. फिर कुछ ऐसा सीन आता था जहाँ पे जूनियर्स हैं तो सडनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. बट ऑब्वियसली अब वो चीज़ मैं कैमरा में तो नहीं दिखा सकती हूँ. तो जैसे ही एक्शन होता था आई यूज़ टू ट्राई एंड गेट इन टू द कैरेक्टर कम्प्लीटली. बट यही हो रहा था कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइट इट और फिर एक लेवल के बाद वो खींच रहा था तो मैं फिर एंटी ट्रैक पे जाने लगी. फिर छोटी छोटी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होने लगी जो शायद पहले इतनी नहीं होती थी. जिन्हें मैं टैकल करने की कोशिश करी थी उनको भी मैं टैकल नहीं कर पा रही थी. तो यस, शी ऑब्वियसली कुडंट, एज अ क्रिएटिव कुडंट राइट व्हाट एग्जैक्टली शी वांटेड एंड आई कुड नॉट डू व्हाट वॉज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. सो हाँ, वो बहुत ही है, ऑल्टर हुई है चीज़ें. बिकॉज मैं मेंटेन करूँगी, कोई भी एक्टर जब अनकम्फर्टेबल होता है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एज अ प्रोफेशनल यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एन एक्टर्स प्रॉब्लम, बट एज अ ह्यूमन समवेयर डाउन द लाइन यू अंडरस्टैंड. एंड ऑफकोर्स नेहा इज विद अस एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ D3's इंसेप्शन एंड शी वॉज नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर. तो वी न्यू कि उसका माइंड फ्रेम अलग है एंड
मतलब मुझे पता था कि वो यू नो शी इज़ कमिंग आउट ऑफ अ शेल इन द न्यू वर्ल्ड एंड आउट ऑफ वर्ल्ड, तो उसको ये आउट ऑफ वर्ल्ड कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है. सो वी अंडरस्टूड एंड वी ऑल्टर्ड द स्क्रिप्ट बिकॉज वी डिडंट वॉन्ट टू मेक हर अनकम्फर्टेबल एंड लूज हर, बट या अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल लूजिंग हर, बट इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड, वी रियली अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग अगली अबाउट इट, राइट? मुझे बहुत गालियाँ पड़ी है, दैट इज़ ट्रू, बट शो ने इतना कुछ सफ़र नहीं किया है. वी जस्ट आई जस्ट फील कि नाउ दैट आई थिंक द शो विल सफ़र बिकॉज शी इज़ गोइंग, तो आई होप इट डजंट सफ़र एंड आई होप दैट द फैंस कैन बेयर विद अस एंड वॉच स्टिल वॉच अस फॉर एवरीबडी एल्स अ सेक. इट इज़न अबाउट रिफ्यूजिंग माई को स्टार मुझे शांतनु. पहले जब रूमर्स होते थे कि हमारी पिक नहीं है साथ में ऑफ कैमरा क्योंकि हम में लड़ाई है और वी डोंट जेल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था. सीन में निकली हो जब बाल बाल हाँ हम एक दूसरे फाइट कर रहे थे बाल बाल पकड़ के, बट नो ऐसा कुछ भी नहीं था. वो प्रॉब्लम अगेन मेरी इनहिबिशंस को लेकर आती है. मैं एक्चुअली नॉर्मली ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो नॉर्मल लाइफ में भी हग नहीं करती मैं लड़कों को, वो पहले से एक प्रॉब्लम है मुझे, तो इसलिए बेस्ट है अगर मैं नहीं कर सकती तो आई बेटर गेट आउट ऑफ इट और जो नया पर्सन आएगा वो जस्टिस कर पाएगा इस कैरेक्टर को जो क्रिएटिव्स लिखना चाहते हैं, जो पलकी मैम लिखना चाहती हैं, जैसे उन्होंने विजुअलाइज़ किया था जिस पैशन के लेवल पर, और फैंस जो देखना चाहते हैं जिस तरीके की लव स्टोरी, तो वो देख पाएंगे. तो आई एम गोना मिस इट सो मच, आई कांट टेल यू, बिकॉज दो साल से ये फैमिली बन गई थी, हमारी लाइफ बन गई थी, इतने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर किए हैं. मैं बहुत ही सैड पर्सन हुआ करती थी, अभी भी थोड़ी हूँ, काफ़ी हूँ एक्चुअली, बट दीज गाइज रियली टॉट मी टू बी लाइट इन लाइफ एंड एन्जॉय एंड बी अ लिटिल कलरफुल. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी. मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इस प्लेस को, यहाँ के लोगों को और मेरे दो बच्चों को, स्प्लैश और सैम, उनको बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी, हमारे मेकअप रूम को. सो या इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, बट आई वोंट बी कंटिन्यूइंग विद एक्टिंग बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पर एक्टिंग के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती है इन्वॉल्व, और क्या बताऊँ मैं शायद इतना टाइम देकर काम को इतना टाइम देकर खुश नहीं रह पाऊंगी. शी इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड ये हमको पता है. लोग भी हैं, मुझे थोड़ा नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ही है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जब भी पार्टीज वार्टीज़ में जाते हैं या यू नो ऐसे, ये नहीं आती है, ये कल्टी देती है हमें, बिकॉज शी प्रेफर्स बीइंग विद अ फैमिली एंड वी टोटली अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पर तो फैमिली जैसी बात थी यार, बाहर मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरी ये भी प्रॉब्लम है, हग भी नहीं करना और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने, ऐसे सीन भी नहीं करने और मुझे एक्टिंग भी करनी है, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो उससे बेहतर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जिसमें मैं कम्प्लीटली अपना 100% दे सकती हूँ खुशी खुशी.